अगर राजश्री को मैं नहीं जानती तो मैं फिल्म करती ही नहीं क्योंकि मेरा एक्चुअली फिल्मों में रुचि थी ही नहीं मैं अपने थिएटर में खुश थी तो मेरे लिए बड़ा ओ इंस्पायरिंग मोमेंट था कि ये नंबर वन हीरोइन और वो खड़ी होगी जबकि मैं मेरी तो एंट्री हुई थी और आई रिमेम्बर ये अभिषेक और करीना तो लड़ा, लड़ाई करते थे आपस में कि नो no, हिमानी आंटी मेरी है मतलब इट वाज अमेजिंग तो अभिषेक बड़ा बदमाश था वो एक वो बदमाश है तो वो बोलता है हिमानी जी आपने क्या कर दिया मतलब राश्री सेवेंटी फाइव ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है हमारे साथ में इंडस्ट्री की सबसे प्यारी बुआ और राश्री परिवार की शान जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी मेरी फेवरेट हिमानी शिवपुरी की वेलकम मैम थैंक यू मैम सबसे पहले तो आ, इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए किस तरीके से इस कैरेक्टर की अगर मैं रजिया कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से दिखती हैं आप सबसे पहले तो मैं राजश्री परिवार को एंड आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ पार्ट ऑफ द राजश्री फैमिली हम सबको बधाई और ख़ासकर बजजातिया जी को उनके पूरे परिवार को स्टार्टेड फ्रॉम तारा चंद जी uh, उन्होंने पचहत्तर साल Uh, पूरे कर लिए हैं और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएँ देती हूँ कि वो ऐसे ही अच्छी मीनिंगफुल पूरे परिवार के लिए हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता को दिखाते रहें और आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द राजश्री फैमिली और जहाँ तक रज़िया की जर्नी की बात है तो मैं आपको बताती हूँ कि रज़िया की जर्नी शुरू होती है बहुत साल पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी क्या बात है आप लोग यहाँ क्यों बैठ गए वो क्या है चाची जान हमें प्रोग्राम देखना है क्या जी को देखना है किसको देखना है एक मिनट एक मिनट भोला बेटा ये लेडीज का फंक्शन है आप लोग बाहर जाइए जी बाहर मिलेंगे लल्लू क्या हम तो जाओ 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 चलो 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 भैया जी भोला बेटा तुम इन दोनों के चक्कर में मत आना ये बेशरम लोग हैं तुम्हें भी बिगाड़ देंगे आप क्यों हंस रही है यूं ही यू ही <laughs> निकलो निकलो बाहर ऐसे चची जान कमरियल लचक जाएगी चल हट ए आउट आउट मैं मेरे जो हस्बैंड थे ज्ञान शिवपुरी जी उन्होंने राजश्री की फिल्म करी थी बाबल उसमें मुख्य uh, भूमिका थी उनकी तो उस टाइम मैं नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी और जब बाबुल रिलीज़ हो रही थी तो मुझे स्पेशली हम लोग को रांची परिवार ने भटजातियाज ने फर्स्ट क्लास का टिकट देकर हम लोग को दिल्ली से यहाँ बुलाया और मैं वो दिन भूल नहीं सकती जब मुझे उनके घर में ताराचंद बाबू थे तब तक उन्होंने मुझे ख़ूबसूरत सी ग्रे सिल्क की साड़ी वो अभी तक साड़ी मैंने सहेजी हुई है क्योंकि उन्होंने बोला हमारे घर की बहू आई है तो वो सारी वन ऑफ माई मोस्ट प्रेशस पोजेस है मेरी ज़िंदगी की तो वहाँ से रज़िया की ज़िंदगी आई बिकेम पार्ट ऑफ द फैमिली और जब मैं यहाँ बम्बई में नाटक लेकर आई थी और एक कई नाटक थे हम लोग मैं एन एस डी में थी एन डी से पास आउट होकर तो कई नाटक थे उसमें मैं तो मर जानी थी आजर का ख्वाब था आजर का ख्वाब का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आ, राज बाबू ने और सूरज जी ने आजर का ख्वाब मेरा नाटक देखा जो कि उर्दू अडेप्टेशन है पिग मेलियन का बनर चौक का तो दे रियली लाइक इट और सूरज जी ने हम आपके कौन की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और उन्होंने मेरे उस हजों के कैरेक्टर को देख के आपने जिस किरदार का नाम लिया चची जान जिसको प्यार से कहते उसका उन्होंने क्रिएशन किया और जब वो फ़िल्म बना रहे थे हम आपके कौन तो मुझे राजश्री प्रोडक्शन से फ़ोन आया तो कि मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि एक किरदार लिखा है तो आप इसको प्लीज़ सुनिए तो पूरा तीन घंटा मैंने सूरज जी के मुख से बहुत ब्यूटीफुल नरेशन करते हैं वो राज बाबू भी उधर बैठे थे गाना था विद द सॉन्ग्स वो ख़ुद ही गा के और राज बाबू जी पीच में मतलब वो एक बड़ा मैजिकल सा मोमेंट था मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करती वो मेरी फ़र्स्ट कमर्शियल फिल्म थी जो मैंने साइन की आ, और अगर राजश्री को मैं नहीं जानती तो मैं फ़िल्म करती ही नहीं क्योंकि मेरा एक्चुअली फिल्मों में रुचि थी ही नहीं मैं अपने थिएटर में खुश थी और मैं अपने हस्बैंड से भी कहती थी भाई आप फिल्म करिए क्योंकि वो फिल्म फिल्म फैमिली से थे शिवपुरी ओम शिवपुरी वगैरह तो मैंने कहा आप फिल्म करिए मैं नाटक में खुश हूँ पर चूँकि इनसे रिश्ता हो चुका था राजश्री से तो जब इन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया और इस तरह से मेरी फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी शुरू हुई हम आपके कौन मेरी पहली फिल्म है भाई जान आप लोगों की वैसे यही जमी रहेगी क्या अरे नहीं नहीं भाभी जान बस हम जा ही रहे थे चलो डॉक्टर ओह आप लोगों का चाय नाश्ता बाहर लॉन में तैयार है अरे बहू आने वाली है हमें फंक्शन शुरू करना है अरे चलो लड़कियों और वो इतनी बड़ी जबरदस्त हिट बन गई कि उसके बाद तो फिल्म का मेरी पूरी जर्नी शुरू हो गई और फिर मैं एक कदम पीछे नहीं लिया बस आगे ही आगे बढ़ती रही तो वो रज़िया बेगम जो कह रहे हैं वो मेरी मुंबई फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा भी पदार्पण उसी फिल्म से हुआ था और uh... मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था उस फिल्म को काम करने लेकिन जब मैं मैं बताऊं कि मैं पहली बार जब वहाँ के सेट पर आई हम आपके कौन पे तो सूरज जी uh, इतने वो हम्बल पर्सन हैं और इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं तो आके उन्होंने सारे मतलब इतना भव्य सेट था और सबकी इतनी सारी कुर्सियाँ लगी थी और सब कुर्सियों में सबके नाम थे माधुरी दीक्षित सलमान खान बिंदु जी अनुपम खेर रीमा लागू रेणुका शाह लक्ष्मीकांत बेर्डे और साथ में मेरा भी नाम था हिमानी शिवपुरी तो मैं अपने नाम को देखकर बड़ी खुशी गई चलिए भाई जान हमारा एक काम तो करवाइए निशा के साथ एक फोटो तो दिलाइए ताकि याद तो रहे कि इतने दिन हमारे साथ कितने प्यार से रही और इतने बड़े बड़े कलाकार और मैं दिल्ली से आई हुई देहरादून से एक्चुअली दैट्स माय होम टाउन पर दिल्ली में तो ये मेरे अप, अपने आप में बहुत अनूठा एक्सपीरियंस था और थोड़ा सा आ, मतलब मैं मतलब संकुचित भी थी शाये भी थी और मुझे सूरज जी सेट पर ले गए और माधुरी दीक्षित जी बैठी थी अपने स्टाफ के साथ तो सूरज जी ने बोला ये आ, हिमानी शिवपुरी हैं और ये चची जान का कैरेक्टर शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंसड एक्ट्रेस फ्रॉम एनिस्टी तो माधुरी दीक्षित खड़ी होगी तो वो मेरे लिए बड़ा और इंस्पायरिंग मोमेंट था कि ये नंबर वन हीरोइन और वो खड़ी हो गई जबकि मैं मे, मेरी तो एंट्री हुई थी ऑफ कोर्स आई वाज सीनियर टू हर इन इयर्स बट स्टिल आई वाज नॉट वेल नोन इन द इंडस्ट्री टॉल और माधुरी दीक्षित खड़ी हो गई एंड बाद में तो हमने काफ़ी सारी फिल्में की मुझे पता चला कि इज़ नॉट ओनली ओनली ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ब्यूटीफुल इन द सेंस कि पूरी वो अंदर बाहर सबसे ब्यूटीफुल है और बहुत उनका नेचर व्यवहार भी बहुत अच्छा वेरी डाउन टू अर्थ है तो ऐसे सूरज जी ने सबके साथ परिचय कराया अनुपम जी को तो मैं जानती थी क्योंकि वो मेरे सीनियर रह चुके थे बाक़ी तो मेरे लिए सब नए थे और आ, मैं उनसे बड़ी मतलब प्रभावित थी बिंदु जी थे सतीश शाह थे तो मैं क्या करती थी सेट पे ना बुक मैं बता रही थी कि किताबी कीड़ा तो थी मैं तो बुक लेके बैठी रहती थी तो सतीश शाह मुझे डांटते थे क्या तुम बुक लेके बैठी रहती हो कि एवरी बडी थिंग्स यू और अ स्नॉप तो मैं कैसे कहती कि एम सच अ शाई पर्सन और आप लोग सब इतने बड़े बड़े स्टार्स हो तो मुझे एक झिझक महसूस होती है कि आई डोंट नो सो आई एम दैट इज़ माई आर्मर मेरी किताब लेकिन धीरे धीरे हम सब घुल मिल गए और एक परिवार बन गए और पूरी जो जर्नी है फिल्म की आउटडोर्स सच ब्यूटीफुल आउटडोर्स ऊटी में आ, पूरी फैमिली के साथ सुबह हम लोग चार बजे उठते थे और हम लोग होटल से तैयार होकर जाते थे लेकिन जो एक चेंज और करना पड़ता था गाने में तो सारे लोग एक कमरे में मतलब इमेजिन बिंदु जी. जी भी उसमें माधुरी दीक्षित भी रीमा जी रेणू का हम लोग सब अपने और इतने सारे स्टाफ के साथ सब चेंज कर रहे हैं एक कमरे में और कि कोई मतलब इतने बड़े-बड़े स्टार्स थे मैं तो अभी नई थी लेकिन मैं और रेनू का उस टाइम नए थे लेकिन बाकी कोई सब इतने अच्छी तरीके से हमसे बिहेव कर रहा कोई हमको ऐसे लुक डाउन नहीं कर रहा कि हां भैया नया आया है <laughs> तो दैट वाज ऑल ड्यू टू द कहते कैप्टन ऑफ द शिप व्हाट इज गुड मैं दसया तन्नू मेरी सैंडल तोला ना सैंडल सैंडल <laughs> <laughs> हां और क्या सब लड़के लोग बाहर निकलो चलो निकलो <laughs> <आ>? <laughs> देखा? ये है जेंटलमैन चलो ऑल मैन आउट अरे अरे क्या है फोटो क्या है अरे मणि जी सेट का किस तरीके का माहौल हुआ करता था क्या यादें हैं आपकी उस सेट को लेकर इतनी सारी यादें हैं मतलब एक एक दिन एक एक पल याद है मैंने आपको अपने पहली पहला दिन तो बता ही दिया था जब माधुरी दीक्षित खड़ी हो गई थी बाकी इतना मतलब फ़न का माहौल था क्योंकि उसमें बहुत बड़े सबसे शैतान तो ये थे अपने अनुपम खेर और ये इतनी तो बदमाशी करते रहते थे तो ये लोग डम शराज खेलते रहते थे तो पूरी फैमिली की तरह था आई रिमेम्बर आउटडोर भी में हम जाते थे तो उस टाइम किरण जी किरण खेर अनुपम आई हुई थी तो उन्होंने तो अपना एक्टिंग करियर तब शुरू नहीं किया था शी वॉज ओनली द वाइफ ऑफ अनुपम खेर तो हम मुझे याद है कि हम दोनों ने साथ में करवा चौथ का व्रत रखा था और हम लोग चांद को देख रहे थे और बड़ा मतलब शूटिंग तो होती थी एवरीबडी वाज वेरी सीरियस अबाउट वर्क क्योंकि राज बाबू और सूरज जी तो बहुत ही सीरियस थे और हम लोग सब ये ये तो सबसे पहले था कि काम काम सबसे बड़ी प्राथमिकता थे और साथ में हम लोग इन्जॉय भी करते थे और बहुत सारे मोमेंट्स हैं और सलमान वो मतलब अनुपम का तो मैंने नाम लिया अनुपम जी का सलमान खान भी तो सबसे बड़ा प्रैंक प्रैंकस्टर था मतलब आप बताइए सलमान के साथ मैं पहला सीन कर रही हूँ तो उसमें ये वो पहला जो सीन है कि वो मैं आते हूँ और वो तो वो ऐसे ही आया तो सूरज जी ने बताया था ऐसा ऐसा सीन है ओके हमने आए वहाँ पे सीन में तो ऐसी सलमान की एंट्री हुई और वो ऐसे आया चची जान उसने मुझे गोदी में उठा लिया <laughs> तो क्योंकि तो हम लोग ड्रामा के लोग हर चीज़ रिहर्सल रिहर्स होनी चाहिए तो ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड था पर इम्प्रोवाइज भी करते थे, थे खैर उसको प्ले अलॉन्ग किया एंड uh, सूरज जी ऑल्सो लाइक इट तो ही इट अच्छा फिर कट टू जब uh, रेणुका के बेटा होता है तो हॉस्पिटल में आई वॉज द डॉक्टर तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपका मतलब बेटा हुआ है मोइन मौ, अपना मोनीश बहल को और वो सलमान एंड दया दे तो वेन द सेकेंड टाइम सलमान मी देन आई वाज प्रिपेयर्ड आई न्यू यस ये करेगा ये <laughs> तो चची जान मतलब मुझे उठा के गोदी में क्योंकि <laughs> स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था हुआ है। अरे काका मैं तो काका बन गया। <laughs> तो ऐसे मज़ेदार इंसिडेंट्स होते रहते थे कटसी सलमान अनुपम जी अनुपम तो ये दोनों बड़े बदमाश थे और चुपचाप से वो भी लक्शा भी थोड़ी बहुत बदमाशी करता था बाकी तो हम लोग ठीक थे सीधे साधे टाइप थे पर वीज टू तो प्ले अलॉन्ग विद <laughs> उस टाइम पे आपने इतना सोचा था कि चची जान के कैरेक्टर को इतना प्यार मिलेगा लोग आज भी उस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं।, नहीं बिल्कुल नहीं मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आ, मैं तो फिल्म में काम किया और मुझे लगा ठीक है लेकिन वो मतलब मुझे लगता है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो फिल्म इतनी ज़बरदस्त हिट हो जाएगी कि मतलब एक बार लगेगी तो मतलब उतरने का नाम ही नहीं लेगी एंड इट क्रिएटेड हिस्ट्री और जब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब बन रही थी तो लोग कुछ लोग हंस भी रहे थे कि क्या हो, बन रही है तो शादी का वीडियो है लेकिन वही शादी का वीडियो इतना हिट तो हो, हो गया कि बाकी सब लोग भी वैसी वीडियो बनाने लगे <laughs> जी अगर हम साथ साथ कि अगर बात की जाए आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिला क्या बोलना चाहेंगी उस पर अब आ, ये मतलब वो तो स्मॉल था पर इम्पॉटेंट था रजिया चाची जान का लेकिन मामी का कैरेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट था हम साथ साथ में और क्योंकि वो ही एक पॉजिटिव कैरेक्टर है क्योंकि रीमा जी का कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रे शेड्स का शी वाज लाइक द केकई ऑफ रामायण आप आना जाना कम करो दोस्त हुए पर आए दुश्मन हुआ जमाना भाई जान माफ कीजिए मामी जान हम जरा बेशरम लोगों में से हैं इतनी आसानी से पीछा छूटने वाला नहीं है तो आई वॉज द बैलेंसिंग और लोग आज भी उसको याद रखते कि वो जो तीन तितलियाँ थी रीमा जी, जी की दोस्त उनको जो मैं घर से निकालती हूँ लोग आज भी वो सीन याद करते कि मैं बोलती हूँ जाओ बाहर आप लोग कृपा करके हमें अकेला छोड़ दीजिए मुझे अपनी बहन से बात करनी है प्लीज और जोधपुर जो कि वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिटीज़ है वहाँ हमने आउटडोर किया था तो बड़ा मज़ेदार आउटडोर था हम लोग राजा के महल में ठहरे थे आई हैव टेकन माई मदर ऑल्सो अलॉन्ग इस मामले में आ, मतलब राज तो मुझे लगा कि आई कुड टेक माई मदर क्योंकि ये बिल्कुल फैमिली का लगा मैं अपने माँ को मिलाने गई माँ को भी बहुत अच्छा लगा सेट पे आके क्योंकि वो सब थे और सब लोग इतनी इज्जत देते थे चाहे राजश्री का स्टाफ हो क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ कैप्टन ऑफ द शिप होता है वैसे ही सब होते हैं okay. तो राइट फ्रॉम स्पॉट बॉयस प्रोडक्शन वाले टू एवरी हमको इतना अच्छी तरह से ट्रीट uh, करते थे रिस्पेक्ट करते थे और खाना कोर्स इट वाज वेजिटेरियन और uh, मैं भी आई मैं वेजिटेरियन बाय चॉइस और उन दिनों तो मेरे नवरात्र भी चल रहे थे तो मैं उस टाइम बहुत फॉलो करती थी कि नौ दिन मेरे फलहार होते थे फ्रूट्स ही लेती थी तो बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल उस शहर भी बहुत खूबसूरत और शूटिंग भी बहुत खूबसूरत है वो तो फिल्म में दिखती है इतनी खूबसूरत वो जो एक गाना है ये ये लोग uh, मोर भी दिख रहे हैं उसमें ये लोग हाथी पर जा रहे हैं सैफ और बाकी सब लोग मारेगी मारी ही, विड़ा में। मारे ही विड़ा में। हिमानी जी कोई भी एक ऐसी याद जो आप बताना चाहें जो आपको लगता हो कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए 75 फाइव ईयर्स हो गए पचहत्तर साल बाद ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कोई भी एक ऐसी याद कोई भी क्रे, आ, क्रेजिस्ट जो आज भी आपको याद आता हो जो आपके दिमाग में हो उस कोई मेमोरी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जैसे मैंने बोला बेटा एक मेमोरी नहीं है बस खाली मुझे आ, जो आ, सूरज जी आके जिस तरह से वैनिटी वैन अगर यहाँ मुंबई में होता था तो वैनिटी वैन में आकर पूरी कहानी तो हम लोग सुन चुके थे उसके बाद भी जिस डिटेल में वो पूरा सीन समझाते थे दैट इज़ समथिंग रेयर मतलब आई हैव वॉक विथ मतलब लोग क्या करते हैं कि सेट पे आके बताते हैं या हीरोइन uh, hero, के उसमें जाते हैं तो हम लोग तो कैरेक्टर आर्टिस्ट की श्रेणी में आते हैं लेकिन हमको भी उतनी ही इज्जत मिली बल्कि एट पार कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं माधुरी दीक्षित या टबू या करिश्मा से कम हूँ बल्कि उनसे भी ज़्यादा और जबकि मैंने उनकी थर्ड फिल्म करी थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ तब तो मैं सीनियर हो गई थी और ये सब बच्चे थे हे <laughs> करीना मतलब और अभिषेक बच्चन एंड ऋतिक तो आई हैड नोन देम और करीना तो मैं करीना को तब से जानती थी वो करिश्मा बड़ी बहन थी उसके साथ शूटिंग में आती थी और आई रिमेम्बर ये अभिषेक और करीना तो लड़ाई लड़ाई करते थे आपस में कि नो हिमानी आंटी मेरी है <laughs> मतलब इट वॉज अमेजिंग मुझे लगा लगता था कि मैं अपने घर ही में मतलब घर से एक घर से उठ के दूसरे घर में आ गई हूँ और अफकोर्स कैरेक्टर uh, करने का भी बहुत मज़ा आता था कि पूरी सीरियसनेस uh, मतलब सबसे बड़ी प्राथमिकता काम थी जो कि होनी चाहिए हमारे प्रोफेशन में काम सबसे पहले और फिर बाकी चीज़ें हो, होती थी तो देर सो मनी मेमोरीज अगर मैं प्रेम की दीवानी की मेमोरी की बात करूँ मुझे याद है कि हम लोग साइकिल uh, पर uh, वो जो एक गाना है जिसमें पूरी फैमिली पिकनिक पे जाती है पंकज जी भी साइकिल चला रहे हैं मैं भी करीना अभिषेक और वो जो तीनों उसकी फ्रेंड्स थी और सडनली मेरी बाइक में पंचर हो गया भार करके आवाज़ आई और मेरी गाड़ी बहन का ये क्या हुआ तो अभिषेक बड़ा बदमाश था वो एक वो बदमाश है तो वो बोलता हिमानी जी आपने क्या कर दिया मतलब कहा शट अप इतनी जोर से अपने पूरा न्यूजीलैंड को जा दिया <laughs> वो साइकिल का पंचर हुई थी सारी यादें। एक और याद है मुझे याद है कि मुझे चलने का बहुत शौक़ है तो ये लोग हम किसी ओपन एयर ब्यूटीफुल इट वाज वही पिकनिक का कोई सीन था तो शायद सुबह का हम लोग सुबह निकल गए थे क्योंकि डे लाइट का कुछ प्रॉब्लम था तो मैं थोड़ा सा टहल रही थी और ये है जाई या क्या आई तो मैं ऐसी देख रही वहाँ पे शूटिंग और भाप करके मैं गिर गई तो इतने भी सूरज जी आए भागे और ऋतिक भी आया और सब अभिषेक भी आया और मुझे उठाया ना आई व सो एम्बेरेस्ड वो मतलब चोट वोट तो क्या ही लगी सब मुझे पूछा आई यू हर्ट आई यू हर्ट हर्ट से ज़्यादा तो आई वो इम्बेरेस्ड कि मतलब उठ के अभी वो दे वो कंसर्न कि आप ठीक है क्या मैंने कहा हाँ मैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फिर से चल रही आई एम ऑल राइट ऑल राइट ताकि ये ज़्यादा फंस ना करे मैं फिर से चलने लगी और चलने लगी उससे मतलब ज़्यादा चोट नहीं आई <laughs> तो मतलब ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं क्या मतलब आपका तो पूरा प्रोग्राम इसमें चला जाएगा मम्मी के रोल की अगर बात करूँ मैं हम आ, मैं प्रेम की दीवारी में इसमें आपके दोनों कैरेक्टर से एकदम अलग कैरेक्टर था ये इसमें आप नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं कंसर्न भी दिखा रही हैं बेटी के लिए वो कितना चैलेंजिंग uh, रहा आपके लिए तो बहुत चैलेंजिंग था और ये बड़ा रियलिस्टिक uh, भी है क्योंकि एक माँ हर माँ चाहती कि उसकी बेटी की शादी अच्छी जगह से हो नेगेटिव इसलिए हो जाती है कि वो uh, वो जिससे जिसको वो इतना अच्छी तरह से ट्रीट कर रही थी सडनली उनको पता लगता है कि ये नहीं है ये तो आ, ये तो उसका एम्प्लॉई है जो मेन बॉस है अभिषेक बच्चन तो फिर फिर मैं चाहती हूँ कि नहीं बिल्कुल इसको भूल जाओ एंड दैट नेगेटिव पार्ट आई उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती हूँ जो कि नहीं करना चाहिए बट <laughs> मेरा अपना सेल्फिश रीजन है बट सम कैरेक्टर्स आर लाइक दैट दैट इज़ नॉट हिमानी शिवपुरी वो तो वो किरदार था जी. जो मैं प्ले कर रही थी है, वो बाहर गई है बाहर गई है <laughs> no problem, अच्छा मैं बॉस से मिलने जा रहा हूं संजना को नाशा के साथ वहीं भेजेगा और आप सब भी वहीं आइएगा सब मिलकर से करेंगे ओके लेट्स गो जानी। जब संजना घर पर है तो तुमने छूट क्यों बोला हा? सुशीला अगर तुम्हें यह लड़का पसंद नहीं है तो हर किसी से दूर रहो लेकिन जब तक ये इस घर में है तब तक तुम इसकी बेइज्जती नहीं करोगे और ऑफ़ कोर्स चैलेंजिंग लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और आपके बहुत ज़्यादा प्यार, प्यार और बहुत एंजॉय किया मैंने पंकज कपूर जी, जी के साथ वो एक सीन जो है जिसमें हमको पता लगता है टेलीफोन से हमारी बेटी बताती है कि ये वो प्रेम नहीं है तो मैं कहती हूँ क्या तो फिर मैं अपने हस्बैंड को डांटती हूं दैट इज सच एन अमेजिंग सीन क्या कहां इतनी बड़ी कंपनी कंपनी का मालिक और कहां उन्हीं की में में काम करने वाला एक 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 मामूली सा नौकर दुनिया में दौलती हर चीज नहीं होती है सुशीला भगवान के लिए चुप रहो तुम तुम बस चाहिए और उसको मैं अभी भी देखती हूँ जब राकेश रोशन जी ने फिल्म देखी थी तो उन्होंने बोला था बेस्ट पेरेंट सीन

और दैट फिल्म इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मुझे बाद में जाके पता चला कि उसमें जो एक मेरा डायलॉग है वो क्या होता है आजकल कहते हैं वायरल हो गया या पता नहीं उसके तो मे में बन रहे हैं क्या <laughs> बन रहे हैं क्या मुझे नहीं पता क्या टर्म है कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है जो मैं करीना को कहती हूँ मुझे बहुत सारे यंग लोग आके अब बताते हैं कि वो तो वायरल है बिकॉज सम्बडी वॉज डूइंग एन ऐड फॉर मी अपने उसने माई कज़न ओपन ए की हेल्थ सोल्यूशन तो उसने मुझे बुलाया तो बुआ वो लास्ट में वो जरूर गाप करना है तो फिर प्रॉब्लम क्या है क्योंकि वो इतना फेमस हो गया मैं प्रेम की दीवानी का जो मेरा डायलॉग था कि मैं उसको करीना को बोलती हूँ उसमें सब है तो फिर प्रॉब्लम क्या है मतलब वाई डोंट यू एक्सेप्ट अभिषेक बच्चन तो बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज है उसकी तस, तस, संजना तो इतने दिन उसके साथ घूमी फिरी क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं तभी तो तो प्रॉब्लम क्या है अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ आपके पुरानी यादों में हमारा एक सेगमेंट है कॉल्ड फोटो बूथ तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और आपको उसकी मेमोरीज बतानी है ओके <laughs> okay, सबसे पहले तो इस तस्वीर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लो देखा प्रेम मुझसे बोले कि रजिया बेगम हम बहुत नाराज है किसी से कुछ बात मत करना और यहाँ बहू की फोटो देख के गुस्सा गुल mm. क्यों <laughs> <laughs> ये भाभी जाना ये हाँ यही तो है जिसमें उसने मुझे उठाया था जी। गोदी में यही वो सीन है जिसका मैंने जिक्र किया कि भाई साहब ने मुझे गोदी में उठा लिया अच्छा था अच्छा जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी अचानक से एंड ये वाला आज हमारे

सी हलचल है और इतना खूबसूरत गाना है और इसको जब भी देखते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं रीमा जी और आलोक जी के एक्सप्रेशंस तो मावलस है और नॉट टू मिस योर्स चूली का उसमें एक सितार का लहरा बजता है उसमें जो मैंने मैंने डांस किया वो भी बहुत मतलब मज़ेदार है आई लव दिस सॉन्ग इसमें सलमान आपको कुछ बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि पीछे की बिहं सीन स्टोरी क्या है जी जान आए हाय 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 माशाल्लाह आज तो कयामत ढा रही है <laughs> हाँ, अगर उम्र का लिहाज ना होता तो आज तो चल हट बेशर्म हट छोड़ बदतमीज हट हटती ओ क्या करती प्रेम ए मेरी माँ। सलमान जो बताता है वो डायलॉग जो फुसफुसाता है वो मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को वो इतना बदमाश है वो क्या <laughs> कहता है वो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ वो कुछ वो मिसचिफ़ करता रहता है और आपको जो आप कर रहे हैं कि आपको ये आपका पूरा कंट्रोल होता है कि आप सबको ज़ाहिर ना होने दें और आप टोटली इन कैरेक्टर में रहें क्योंकि ये जो भाई साहब हैं ये कुछ अलग ही मिशिफ़ कर रहे होते हैं और वो मैं बातें जो इन्होंने मेरे मुझे फुसफुसा रहे हैं वो मैं बता भी नहीं सकती हिमानी जी अब मैं आपको एक सीन बताने वाला हूँ सलवार कमीज पहनना तो तुम आजकल की लड़कियाँ जैसे भूल ही गयी हो अच्छा अच्छा पता उनके सामने कैसे मुस्कुराएगी अच्छा अरे जल्दी बता शाबाश वो लोग आते ही होंगे अरे अरे मेरे बाल तो ठीक है ना चल चल दरवाजा खोल शंभू शंभू क्या तू खोलना खोलना बहुत याद करते हैं क्योंकि इसमें उन करीना को सिखाते हैं कि तू ऐसे ऐसे करना और करीना उसका उल्टा करती है जब ऋतिक आता है पहली बार <laughs> करीना रियली <was> गुड <really> <laughs> और ये देखो इस सीन में हम लोग मस्ती कर रहे हैं <laughs> जी अब हम आ गए हैं वहां पर जिस साइकिल वाले सीन का आपने वो सीन है जिसमें हम लोग यू नो शिफोन का वो था शिफोन का मतलब हम लोग कॉस्ट्यूम थी और वहाँ इतनी ठंड थी और हम लोग थर्मल्स पहने हुए थे अंदर लेकिन बड़ा मज़ा आया साइकिल चलाते हुए काफ़ी दूर तक साइकिल चला रहे हैं और मैं कह रही अरे बाप रे इतनी ठंड है कि वो साइकिल चला रहे हो लेकिन मज़ा भी आया और इसी में मेरी वो जो मैं आपको किस्सा सुना रही थी ना ये मेरी साइकिल पंचर हो गई थी और बहुत बड़ा साउंड हुआ काफी काफी किससे जुड़े हुए हैं ये वाली फोटो देखकर आपको सबसे पहले क्या याद आ रहा है भाभी जी इन दोनों ने आज इतना अच्छा गाया है कि इन दोनों के आज साथ में तस्वीर ले ले <laughs> बोलो भला जरूर वैसे भी संजना तो है ही आपकी ये वाली फोटो देख के मुझे रीमा जी की याद आ रही आए मतलब उनके साथ इतनी फिल्में आई बिकम सो क्लोज टू हर और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि रीमा जी इसमें आउटडोर आई न्यूजीलैंड ये अभिषेक के मदर का रोल प्ले किया इन्होंने हर फुल ग्रेस और इनका लुक भी बिल्कुल अलग था एंड बहुत मज़ा आता था रीमा जी के साथ काम करने में लास्टली क्या कहना चाहेंगी आप सेवेंटी फाइव को और आपकी जर्नी को आपका सफ़र काफ़ी लंबा रहा है राजश्री के साथ में जाते जाते जो भी आप बोलना चाहें मतलब मैं जैसे मैंने शुरू किया था कि इट वॉज़ अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ राजश्री फैमिली और राजश्री फिल्म के पचहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं उनको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएँ और आशा है कि ऐसी ही फिल्में अच्छी फिल्में जैसे तारा चंद बाबू ने शुरू में जो बनाते थे जो आजकल लोग बना रहे हैं स्मॉल मीनिंगफुल फिल्म्स वो उस वक्त तारा चंद बाबू ने बनाई थी चाहे जीवन मृत्यु हुई चाहे अखियों के झरोके से हुई चाहे कितनी फिल्में मतलब एक का नाम ले दोस्ती हुई बट सच ब्यूटीफुल फिल्म्स और वो नए लोगों को लॉन्च करते थे उनको चांस देते थे और ऐसे मीनिंगफुल सिनेमा uh, वो लोग आप लोग बनाए और कंटिन्यू टू डू ऑल गुड वर्क आप मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे राजश्री का फैमिली का पार्ट बनाया आई वज आई एम डीपली ऑनर्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे थैंक यू थैंक यू